हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि जब चाइनीज ऐप्स बैन हुआ था तो इसी चैनल में आपके लिए लाया गया था एक लिस्ट जिसपे बताया गया था कि कौन कौन सा ऐप बैन हो गया। उसके बाद जब आपको चाइनीज ऐप्स का ऑल्टरनेटिव जरूरत था तो इसी चैनल में मैं आपके लिए लाया था एक वीडियो जिसपे बताया था कि क्या क्या नॉन चाइनीज ऑप्शन है जो कि आप काम पे ले सकते हैं। और ऐसे में कल से खबर सुर्खियों में है कि ममता बनर्जी सरकार मतलब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है एक ऐप जो कि शायद ही पर्सनल यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से पहला ऐप है और इस ऐप का नाम दिया गया है सेल्फ स्कैन। और बताया जा रहा है कि ये जो ऐप है ये एडोबी स्कैन और कैम स्कैनर जैसा फुली फीचर पैक्ड है। तो ऐसे में इस ऐप को इंस्टॉल करना और इसका रिव्यू करना तो बनता ही है। तो चलिए इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और बताते हैं कैसे इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं क्या क्या फीचर मिलते हैं इस ऐप पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये जो ऐप है अभी आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, तो ऐसे में अगर आपको अभी इंस्टॉल करना है तो चले जाइए अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके आप टाइप कीजिए सेल्फ स्कैन .nltr.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा ऑप्शंस और इस ऐप के बारे में सारे डिटेल्स। तो इस वेबसाइट से आप आराम से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखता है आपको। तो सबसे पहले आपको दिखता है कि अमेजोन ऐप स्टोर, मतलब ये जो ऐप है अमेजोन ऐप स्टोर पे अवेलेबल है और सैमसंग गैलेक्सी स्टोर पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ आप इस ऐप को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ऐप इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब एक एपीके फाइल डाउनलोड होगा, लेकिन तब तक देख लेते हैं इसका वेबसाइट पर क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लोग इस पे टेस्टिमोनी देके रखा है कि बहुत अच्छा ऐप है। साथ ही साथ इसका अगर फीचर का बात करें तो सबसे बढ़िया फीचर आपको जो मिलेगा सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो ऐप है इसका डेटा कोई भी सर्वर पे जाता नहीं, तो आपको आराम से पूरा सिक्योर एनवायरमेंट मिल जाएगा स्कैनिंग के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑफलाइन फैसिलिटी, ये लोग बता रहे हैं कि ऑफलाइन पे आपको ओसीआर मिलेगा। ओसीआर मतलब शायद आप में से बहुत लोगों को पता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब आप किसी रिटन या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं उनमें से उस डॉक्यूमेंट से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करके उसको वर्ड या एक्सेल पे लेना बहुत ही दिक्कत होता है। अगर ये ऐप ऑफलाइन पे ओसीआर कर दे तो तबाही मचा सकता है। अभी नेक्स्ट जो आता है कि कंप्लीटली फ्री है, तो पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐप है तो आपको फ्री ही मिलेगा। और इस पे जो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इस ऐप पे आपको दूसरा ऐप की तरह बहुत सारा ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक कंप्लीटली ऐड फ्री है तो आपको इस्तेमाल करते टाइम आपको ऐड बार बार परेशान नहीं करेगा। और अभी साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि सेल्फ स्कैन, कोई कुकीज नहीं है, कोई पर्सनल डेटा कैप्चर नहीं करता। तो ऐसा ऐप अगर हर ऐप पे आपको मिल जाए ना तो मजा सा आ जाएगा। अभी का जो डेटा सिक्योरिटी का ब्रीच है सारे सब कुछ चला जाएगा। लेकिन कितना सच है कितना नहीं है वो इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे। लेकिन उसके बाद बता रहा है कि बाकी ऐप्स की तरह मल्टीपल पेज पे भी फंक्शन कर सकता है, मतलब फुली फीचर लोडेड है और साथ ही साथ आपको पूरा सिक्योर एनवायरमेंट मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आप इंस्टॉल करके। पता नहीं कितने लोग इस ऐप को एक साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट लिंक से इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहा था तो मेरे को 30 मिनट लग गया मेरा 50 Mbps इंटरनेट प्लान पे, 29 MB में से बस 1.5 MB इंस्टॉल हुआ है। तो इसीलिए मैं अमेजोन ऐप स्टोर से कोशिश कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अमेजोन ऐप स्टोर से कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप अमेजोन ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो आपके पास जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे, अगर आपके फोन पे अमेजोन ऐप स्टोर इंस्टॉल होगा तो आराम से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप गेट पे जब क्लिक करेंगे, जैसे आप गेट पे क्लिक किए अब देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलेशन चालू हो गया, शायद इस बार बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फाइनली बहुत समय के बाद ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो गया। तो चलिए अभी इसका मजा लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको एक वेलकम मैसेज आएगा और आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक लोगो दिखेगा। ऐप ओपन करने के बाद आपको दिखने के लिए मिलेगा कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक कैमरा का सिंबल है जिसको क्लिक करके आप स्कैन करना चालू कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्कैन। अब इस स्कैन पे भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, एक है नॉर्मल स्कैन, एक है विजिटिंग कार्ड और तीसरा है ओसीआर। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मल स्कैन को। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, इसको अगर हम स्कैन करेंगे तो स्कैन करते साथ ही आप देख सकते हैं इसका एज डिटेक्शन वगैरह सही है, बाकी कुछ खास दिक्कत मेरे को लग नहीं रहा है। वही कैम स्कैनर वाला ऑप्शन है मैजिक कलर वगैरह का और शेड ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे में आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते,
लेकिन जो सिंपल सा काम है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं दूसरा पेज, जैसे मैं अगर दूसरा पेज ऐड करूं तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है और आराम से दूसरा पेज का फोटो खींच लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए दूसरा पेज के हिसाब से। तो जैसे देखिए देख सकते हैं अब एज डिटेक्शन इस बार भी सही से लिया है। ये बार मेरे को अच्छा लगा कि एज डिटेक्ट बहुत ही अच्छे से कर रहा है। इसको आप सेंड कर सकते हैं एज पीडीएफ या फिर इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट फीचर है ओसीआर उसको टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ ही लाइन स्कैन करूंगा और देख लेते हैं कितना आसानी से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ओसीआर मोड पे क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम स्कैन टाइप का आ गया। हाँ, इसका जो ओसीआर का डिटेक्शन है बहुत ही अच्छा है और ऐसे आप ओसीआर से स्कैन करके भी इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप किसी भी फॉर्मेट पे वर्ड हो एक्सेल हो पीडीएफ हो किसी भी फॉर्मेट पे आप इस टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरा जो प्रिलिमिनरी रिव्यू है इस ऐप के लिए यह बहुत ही अच्छा है 29 MB पे और 29 MB में आपको बहुत सारा काम करके देता है वो भी बिल्कुल सेफ और बिना एडवर्टाइज का। सबसे बड़ा बात जो है बिना एडवर्टाइज पे आपको बहुत सारा काम करके देता है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है लेकिन आपका जो जरूरत का काम सर है वो हो जाएगा आपसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगर इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।